नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जैसा हम कि बहुत दिनों से जिक्र कर रहे हैं रूस और यूक्रेन की वार को, सबसे बड़ी चिंता जो हम जता रहे हैं वो इसी में है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, जो बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं, सरकार कोशिश कर रही है उन्हें वहां से निकालने के लिए, और बहुत से बच्चे वहां से आ भी गए हैं और अभी भी बहुत से बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं, उनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां निकलना बहुत मुश्किल है। आज जम्मू में हमारे बीच आशुतोष जी हैं। आशुतोष जम्मू का वो होनहार लड़का है, वो खुश नसीब लड़का है जो यूक्रेन में इस वार के दौरान बड़ी मुश्किलों के साथ जम्मू में पहुंचा है। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहता हूँ जम्मू में बहुत बहुत स्वागत है, इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हो जिन्होंने इंडिया वापस आ गए, और जिस तरह से वहाँ पे वार चल रहा है, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ के हालात जानना चाहूँगा। जिस वक्त जंग शुरू हुई, युद्ध शुरू हुआ, तो आपने क्या महसूस किया उस वक्त कि क्या हमें यहाँ रहना है, जब निकलना है, जब लग रहा था कि आपको ये युद्ध इतना दूर चले जाएगा? पहले तो मैं ये पूछूँगा कि आप वहाँ यूक्रेन में रहते कहाँ हैं? सर, मैं कीव में रहता हूँ। अच्छा, कीव में ही रहते हैं आप? हाँ, तो वहाँ के हालात जो थे उस वक्त, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, आप निकलने से पहले मौका नहीं मिला आपको निकलने का, या आपने सोचा ही नहीं होगा ऐसा कुछ? सर, एक्चुअली सर 21st सेंचुरी चल रही है और ईयर 2022 चल रहा है, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी वॉर होगी इस ज़माने में। तो सर अपनी एम्बेसी का उनका आया था एडवाइज़र, वो 5 डेज पहले आया था कि अगर इफ़ यू वॉन्ट टू गो बैक टू योर होम कंट्री यू कैन गो, इट्स योर चॉइस। तो उन्होंने हम पे बोला कि अगर वो तुम्हारी चॉइस, अगर आप जाना चाहते हो आप लोग तो आप जा सकते हो। तो हमने कहा वो हमारी चॉइस कह रहे हैं वो। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके लिए फ्लाइट्स भेजी गई हैं, 5 फ्लाइट्स इंडिया की तरफ से आई थी। तो सर उसके पहली बात तो ये फ्लाइट्स का फेयर बहुत ही ज़्यादा था सर। स्टार्टिंग इकोनॉमी की बेसिक उनकी थी सर, फेयर था कि 6,000, और इकोनॉमी तो सर आते ही फुल हो गई थी। अच्छा। तो उसके बाद बची बिजनेस क्लासेस। सर बिजनेस क्लासेस सर स्टार्टिंग ही उनके सर 1,20,000 से स्टार्ट हो रही है सर। सर इतनी सर कि बच्चा पहले बोलता है मॉम डैड को, पर वो सोचता है हज़ार बार कि वहाँ पे कि मॉम डैड को बोलूँगा वो कैसे अरेंज कर पाएंगे कैसे नहीं। इनफैक्ट मैंने भी सोचा था कि पापा कर तो देंगे, पर वो उनके बाद उनको प्रॉब्लम ना हो इतना पैसा खर्च करवाना, क्या क्यों ना मैं यहाँ पे रह लूँ, कुछ जॉब कर लूँगा, कुछ सर्वाइव कर लूँगा किसी भी एंगल, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद छुट्टियाँ थी होने वाली थी। तो मैंने कहा मॉम को, मॉम अभी तो इतना खतरा दिखा नहीं है, एडवाइजरी भी आई, उसमें बोला कि आपकी चॉइस, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे फिर से एडवाइजरी आई, उसमें सेम लिखा था अगर आप जाना चाहते हैं चले जाइए, सेकंड फ्लाइट भेजी जा रही है। फिर थर्ड फ्लाइट थी 24 को जो उनकी आई थी फ्लाइट, तो उसमें मेरा थोड़ा प्लान था कि जाने का, पर अनफॉर्चुनेटली वह क्या हुआ, वो सीट फुल होगी वहाँ पे। अच्छा। तो नहीं जा पाया। तो 28 को मैं सोचा था कि बाय दुबई मैं चले जाऊँगा इंडिया वापस। मैं 28 को सोचा था ऐसे सिर्फ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने टिकट बुक की थी 60,000 की, तो मैंने कहा ठीक है हम दुबई में थोड़ा स्टे करूँगा फिर निकल जाऊँगा वहाँ से। तो फिर क्या बोलते हैं सर, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि सोचा ही था मैंने बस ऐसा। तो जब मैं उठा 24 सुबह जब उठा मैं सर, वो ऐसे अलार्म की वॉइस से उठता हूँ मैं सर, वो उस समय ब्लास्ट की वॉइस से उठा सर। फर्स्ट ब्लास्ट हुआ तो मैंने सोचा कि ऐसे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा कहीं ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ होगा, नॉर्मल कुछ हुआ होगा। फिर मैं फिर से सो गया सर। वो फिर कंटिन्यूसली 1, 2, 3, 4, 5 ब्लास्ट एक साथ हुए सर, सारे कील के आसपास हुए सब। सर आवाज़ इतनी साउंड इतना आया उसका, तो मतलब ऐसे लग रहा था कि आपके बगल में ही हुआ है, क्योंकि जस्ट मेरा जो फ्लैट है, फ्लैट के बाहर जो फ्लैट में जो रहते हैं उनकी पार्किंग है स्पेस, तो पार्किंग से गाड़ियाँ एक साथ साइरन उनका एक साथ स्टार्ट हो गया वॉइस आना, तो मेरे को लगा कि शायद कुछ आसपास ही हुआ है। तो सर उस समय मैंने यूट्यूब खोला, क्योंकि वहाँ पे मीडियम यूट्यूब भी है, क्योंकि वहाँ पे बाकी चैनल सर रशियंस में आते हैं, यूक्रेनियन लैंग्वेज में आते हैं। तो सर मैं यूट्यूब खोला तो वहाँ पे सर देखा कोई न्यूज़ नहीं आ रही, इंस्टाग्राम पे न्यू अपडेट्स तो आती हैं, वो खोला उसमें कोई अपडेट नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, मैं सर्च किए जा रहा हूँ। तो उसके बाद जब इमीडिएटली मेरे को फ्रेंड का फ़ोन आता है खारकिव से, कहता तुमने सुनी वॉइस कुछ ब्लास्ट की? मैं कहा हाँ, आपको भी वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो यहाँ तक साउंड है? कहता नहीं नहीं वहाँ पे अलग से ब्लास्ट हुआ है। और फिर बाकी मेरे एक और दोस्त का फ़ोन है, कहता सुनने में आया कि जो बोर्ड पे उसका एयरपोर्ट है मेरे फ्लैट के पास, तो वहाँ पे रशियन मिलिट्री का कब्जा हो गया, वहीं पे ब्लास्ट किया। मैं क्या बात कर रहा हूँ? कहते हाँ भाई ऐसा ही हो रहा है। फिर 30 मिनट के बाद एग्जैक्टली मैं यूट्यूब खोला तो देखा न्यूज़ में कि वो ओडेसा एक सिटी है वहाँ पे, लाइक जैसे गोवा इंडिया में वैसे वहाँ पे ओडेसा फेमस है काफ़ी ब्लैक सी के पास, तो वहाँ पे रशियन कमांडोस आके वहाँ पे हमला कर चुके हैं। तो अब चल गया पता मुझे कि हाँ हो चुका है वॉर, अब तो बचना है यहाँ से, बस कीव में ना आ जाएं, ये दुआ करा था उस दिन में। पर अनफॉर्चुनेटली वो पहुँच गए उस रात को कीव में। तो सर फिर जैसी ब्लास्ट की बात सुनी सबने, तो मैंने एक सीनियर थे गगनदीप सीनियर, तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए आप हमारे हॉस्टल में आ जाइए। हॉस्टल मेरे घर के बिल्कुल वो
पास था, तो हॉस्टल में गया तो उन्होंने कहा कि नीचे अंडरग्राउंड जिम है जी, वो लगभग सेफ ही आपके लिए, एज अ बंकर काम करेगी वो। तो हमने कहा ठीक है, तो हम सर वहाँ पे ही रुके रहे थे बंकर के नीचे, एज से उनकी सेफ रहने के लिए। तो सर उसके बाद सर हमने एक काम किया था कि हम वहाँ पे कैश आउट नहीं करवाते थे, क्योंकि सर वहाँ पे डर रहता है कि कोई रास्ते में लूट ना ले, क्योंकि रात बिल्कुल बिल्कुल अपनी कंट्री भी नहीं है, सर मोम डैड भी नहीं है, कैसे किसको क्या बोलेंगे। तो सर हम कैश आउट नहीं करवाते थे, तो सिर्फ कार्ड में पैसे होते थे हमारे। तो सर हम खाना लेने के बाहर, तो कि हम पहले खाना लेके आते हैं, क्या पता ओडिशा में अटैक हो रखा है तो यहाँ पे कोई सिचुएशन वर्स ना हो जाए, चीज़ें महंगी ना हो जाए कहीं पे। तो हम चले गए वो सर मॉल पे, वहाँ पे लाइन में लगे, तो लाइन में लगने से लग कर एटलीस्ट 30 मिनट्स तक। तो उसके बाद सर हम क्या बोलते हैं उधर वो स्वाइप करने लगे कार्ड, तो नहीं हुआ, स्वाइप नहीं हुआ, कहते कैश चलेगा ओनली। तो हमने कहा कैश कहाँ से अरेंज करें, ATM के विड्रॉल नहीं हो रहा, कैश बैंक्रप्ट टाइप का हो गया, बैंक्रप्ट हम समझ के बैंक्रप्ट हो चुका, ऑब्वियसली वॉर हो चुकी है अब यहाँ पे रशिया यूक्रेन के बीच में। तो फिर हॉस्टल में तब चला पता था कि इंडियन एक ही होता है, ना कोई साउथ से होता, ना कोई वेस्ट से होता, ना कोई ईस्ट से होता, इंडियन इंडियन होता है, तो सब एक साथ हुआ था। हमने कहा आप कितने कैश पड़े आपके पास, आप दीजिए। किसी सबके पास, किसी के पास 1000 grivnas था, किसी का 3000 था, किसी ने सेविंग कर रखी थी अपने इंश्योरेंस के लिए। तो हम सब ने मिला बांट के इतना कैश हो गया कि हमारा 7 दिन का राशन आ गया सबके लिए। तो हम सब ने वहाँ जाके राशन ले लिया। तो अब इतना दिक्कत हुई कि अब राशन यहाँ पे हम 3 टाइम रोटी खाते थे, तो वहाँ पे अब हमें 1 टाइम खानी पड़ रही है। अच्छा। और 1 टाइम भी भरपेट नहीं खा पा रहे हैं हम, बस जितना जिंदा रहना चाहिए सर्वाइव के लिए हम उतनी खा पा रहे हैं, ताकि हमें नहीं पता एस्टिमेट अप्रॉक्स, क्योंकि हम सिचुएशन ऐसी देखी ही नहीं थी। हम जस्ट MBBS करने इंडिया से गए थे कि इंडिया से MBBS करेंगे, इधर से यूक्रेन से MBBS करेंगे, फिर वापस MCI या नेक्स्ट का एग्जाम देके इंडिया में आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो पर ये सिचुएशन की अनइमेजिनेबल सिचुएशन थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि ऐसा होगा ऐसे लाइफ में। तो सर वहीं पे हम बंकर्स में, मतलब कि अंडरग्राउंड जिम जिसको बंकर में कंसीडर करता हूँ, तो वहाँ पे रहते सर हम वहाँ पे। तो उस इंसिडेंट एक और हुआ था सर वहाँ पे कि 24 को वो 27 या 26 के करीब सर, तो सर वहाँ पे शॉटगन लेके टू या फोर, क्योंकि हमें था बंकर में नीचे, तो वहाँ पे जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे तो वो बाहर घूम रहे थे, क्योंकि हमको वो निकलने की परमिशन नहीं देते थे बाहर, क्योंकि उन्होंने कहा कि कहीं से कुछ भी, क्योंकि हम लाइट्स ऑफ करके मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल के तो हम रहते थे वहाँ पे। तो कहने सुनने में आया कि हम 2 या 4 वो सिविलियंस हमारे हॉस्टल में आते हैं और उन्होंने सिर्फ 1 किक से हमारे हॉस्टल का दरवाज़ा तोड़ते हैं। तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था, थोड़ा सा उसमें गर्ड्स थे, तो उसने कुछ बोला उसको कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आए हो यहाँ पे। तो उसने वहाँ पे केक ने उसे गन दिखाई, तो उसने वो दरवाज़ा खोल दिया। तो एक सब लोग तो वो कॉन्टैक्ट भागे, पर एक सर वो थे हमारे सीनियर गगनदीप पाजी, उनको रशियन आती थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्या बात है बताओ, क्यों आए यहाँ पे। तो कहने लगे आपके वहाँ पे ऊपर जियो टेकिंग हुई है, किसी ने मिसाइल का मार्क कर दिया, एक मिसाइल अब आपके यहाँ पे आके फटेगी, तो हमें चेक करना है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली वो गगन भैया तो वो जो थे वो निहत्ते थे, तो उनके पास शॉटगन्स थी जो, तो ऑब्वियसली डर लगता ही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जैसा सही लगे आप कर लीजिए, पर उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने हम थे नीचे कम से 150 स्टूडेंट्स थे, अराउंड में 50 गर्ल्स में कंसीडर करूँगा, पर 100 हम लड़के थे। तो उन्होंने मैसेज करके बोला कि नीचे जितने भी कोई भी जिम में हथियार पड़ा है, जो भी मिलता है डंबल कुछ भी मिलता है उठा लीजिए। तो हमने सर जो बुक पढ़ा था बेलचा या कोई पेचकस चाकू जो भी हमें मिला, हमने हर किसी को आर्म्ड कर दिया कि कल को अगर वो अगर कम है क्वांटिटी में, क्योंकि बुलेट्स उनके पास कितनी ही बुलेट्स, 1-2 बुलेट्स होगी तो हम उन पर भारी पड़ सकते हैं। तो हम सब आर्म्ड थे कि जैसे वो हमारे इस साइड आएंगे हम उन पर हमला कर देंगे अपनी सेफ्टी के लिए, और वहाँ से भागकर किसी दूसरे बंकर चल जाएंगे बाहर जो मेट्रो में, एटलीस्ट वहाँ तो सेफ रहेंगे यूक्रेनियंस के बीच में। तो उन्होंने उनमें से एक था कि वो कंट्रोल रूम में चला गया हमारे, और हमारे हॉस्टल में हर जगह कैमरे लगे हैं, कॉरिडोर्स में कैमरे हैं, जिम में कैमरे हैं, वहाँ पे लगे हैं। तो उसने कैमरे में देख लिया कि नीचे इतने बच्चे हैं और सब आर्म दिख रहे हैं खड़े हुए हैं कि हाँ कि अब हमला कर ही देंगे, क्योंकि जस्ट हम दरवाजे जैसे वो खोलते हैं ना, दरवाजा हमने अनलॉक रखा था, जैसे दरवाजा खोलते तो हम उनके ऊपर अटैक करने के ऊपर थे। तो उन्होंने देखा वहाँ से, तो उन्होंने अपनी भाषा में उनको बोला कि लेट्स गो, तो सब लोग चले गए वहाँ से। और वो कहीं कह रहे थे कि वो मिलिट्री वाले हैं, कोई कह रहा पुलिस वाले हैं, तो फिर बाद में कंक्लूजन निकाला था हमने सब ने बैठ के, अगर वो मिलिट्री वाले होते तो उनके बाजू में टैटू नहीं होता, और ऊपर से अगर वो पुलिस वाले होते उनके पास बैच होता, और पुलिस वालों के पास उनको गन दी जाती है, शॉर्ट गन नहीं दी जाती, और मिलिट्री वालों के पास भी AK-47 जैसे गन होती है, शॉर्ट गन तो सिविलियन रखते हैं, तो वो हो नहीं सकते। दूसरी बात ये थी उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, वो वॉक करते हुए आए थे हॉस्टल में, तो वो हमें लूटने की तगार में ही आए थे, हमें लूटेंगे वो जी, उसलिए तो वो उसके बाद हम घबरा गए थे काफ़ी। तो ऊपर से एम्बेसी वालों को हम कॉल करें कंटिन्यूसली कि प्लीज़ हेल्प कीजिए, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं अपनी कि हम इवैक्यूएट करवाइए, आप इवैक्यूएट करने का बोल रहे हैं तो आप क्यों बॉर्डर से उठा के कर रहे हैं, मतलब कि बॉर्डर यहाँ पे उज़ुर नाम की जगह सर, वहाँ पे
तो सर उस ग्रोथ अभी मुझे लगता है सेफ ही है, वहाँ अभी तक कोई हमला नहीं हुआ सर उस ग्रोथ में। उस ग्रोथ यहाँ पे, और तो यहाँ पे हंगरी का बॉर्डर है, तो यहाँ से उठाया उन्होंने, यहाँ डाल दिया, कोई इफेक्ट एफर्ट डाला ही नहीं इसमें सर। एफर्ट वहाँ पे था सर कीव और खार्किव में, अगर थोड़ा सा वो शायद पहले डालते सर, जो अभी इनकी डेथ हुई है स्टूडेंट्स की, वो नहीं होती जी सर। तो बस ये था, तो हम कहते रहे उनको। तो फिर एक दिन जब मैंने छोड़ा वो इंसिडेंट के बाद, तो मैंने फ्रेंड से बात की, एक मेरी फ्रेंड भी थी पलक शर्मा, वो तो मुझे कह ही रही थी, वो एक्चुअली मैं सब स्कूल में पढ़ती थी, केवी स्कूल में यहाँ पे जम्मू अच्छा में, अच्छा जम्मू की लड़की है, जम्मू की लड़की वो है, वापस आ गई है। वो भी वापस आ गई अच्छा है। अच्छा तो उसने मुझे काफ़ी फोर्स किया, मतलब एज अ फ्रेंड, जो मैंने देखा कि वो एज अ गुड फ्रेंड कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड एंड फ्रेंड इन डीड, उसने वैसा बिहेवियर रखा मेरे साथ हमेशा, बार बार कॉल पे कॉल अपडेट। तो उसने मुझे बोला कि तुम एक काम करो आशु, तुम ना हंगरी हंगरी के बॉर्डर से निकल जाओ, उस ग्राउंड में मेरे घर पे रुकना, यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे अमरीक नाम के, उनसे मेरी बात कर रखी थी, कहती तुम वहाँ पे आ जाओ, तो वहाँ पहुंच जाओ बस, तुम किस करके तुम्हें भुजवा दूंगी मैं, इंडिया पहुंच जाओगे, तो मेरी गारंटी है वो। तो मैंने कहा ठीक है, पर पहुंच तो जाऊंगा उस ग्रोथ में, पर मैं जाऊं कैसे, कार से चल सकती, मार्शल लॉ बाहर लगा, एमरजेंसी लगी है, कर्फ्यू लगा बाहर, अब बोला गया वहां पे अगर तुम कर्फ्यू में बाहर निकलते हो तो मैं देशद्रोही कह समझ के हमें गोल शूट कर देंगे, वो यूक्रेनियन मिलिट्री खुद कह रही है वो। तो डर लगता है क्योंकि बाहर तो कोई अपने डॉगी को लेकर वॉक पर लेकर रहा था उस टाइम पे, और वहां पे क्या हुआ कि पानी खत्म हो गया था हॉस्टल में, जी तो हमने कहा कि चलो पानी भर के ले आते हैं, अब सबको पीना ही है। तो उस दिन मेरा फ्रेंड, हम मैं तो नहीं था, मेरे दो बाकी फ्रेंड्स वो गए थे, तो सर वहाँ पे हॉस्टल के बिल्कुल ही बगल में उसी समय जैसे वो बाहर निकले, यूक्रेनियन और रशियन मिलिट्री के बीच में फायरिंग स्टार्ट हो गई। इनफैक्ट मैंने वीडियो भी पढ़ी, शायद वो शेयर भी हुई है, वीडियो फायरिंग स्टार्ट हो गई, उसने वीडियो बनाई और भाग कर वापस आ गए, उसने प्यासे सोए, बस एक फिल्टर था उनके के पास, तो फिर फिल्टर छोटा सा ही था, तो कितनी प्यास बुझी, थोड़ी सी हम पी रहे हैं पानी तो घूट लगा, क्योंकि थोड़ा गला सूखे, कोई डिहाइड्रेशन कोई किसी को हो ना जाए, तो वो ऐसी सिचुएशन, हमने सब वर्स्ट सिचुएशन देखी है अपनी लाइफ में, तो हमें कभी सोचा नहीं कि ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आएगी इस बीच घर में मम्मी पापा से बात होती है। सर। एक्चुअली मोम से बात होती थी, पर वो ऐसी बात होती, बस मैं अपडेट देता था, मैंने टाइम ही रखा था कि मैं सिर्फ दिन में 2 या 3 या 4 बार फ़ोन को ऑन करूँगा, बाकी टाइम स्विच ऑफ करूंगा, क्योंकि सर 150 स्टूडेंट थे, तो चार्जिंग पॉइंट प्लग से लिटरली कोई 5 से वहाँ पे, अच्छा। तो अब उसमें अब हम अपने इंडिया से झगड़ा करेंगे, नहीं मैं लगाऊंगा बोलूंगा सर, वो अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा जिसको चार्ज करना है, जिसकी 70% बैटरी कम होती है वो चार्ज कर ले, जिसकी 70 से अवप होती है वो चार्ज ना करे। तो हम ऐसे ही ग्रुप वाइज डिवाइड करके थे, आज ये इफ इस टर्न इस टाइम पे इस ग्रुप की टर्न है, अगर आप में से किसी की 70% से कम है तो प्लीज़ चार्ज कर लीजिए। तो इस टाइम से हम सर्वाइव करते थे वहाँ पे, ऐसे सर्वाइव किया हमने। तो एक होता था कि सुबह वो कहते थे जिसको खाना खाना है तो ऊपर जाए किचन में खाना बना के आ जाए नीचे, तो एक सायरन नाम की आवाज़, एक होता है फायर अलार्म, तो हमारा वो सायरन बोलते थे हम, अगर क्योंकि हमें अपडेट मिलती है जैसे ही बाहर से मिलती है, हम फायर अलार्म करते थे कि सब लोग बंकर्स में आ जाइए। तो सर ऐसी लाइफ जी ली थी हमने वहाँ पे तो सर। उस वक्त जितने भी बाकी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, ज़्यादा इंडियन ही थे सर, सारे सारे वहाँ यस सर, जिम में मैक्सिमम इंडियंस थे सर। मैक्सिमम जी सर, इस कितने के इंडियन होंगे वहाँ पे, मतलब कीव के अलावा, मतलब यूक्रेन में तकरीबन। सर इतना मुझे भी नहीं पता है, पर मैं न्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रुप के अकॉर्डिंग देखा, तो अच्छा ग्रुप में सर अराउंड, जो फॉरेन हब्स ग्रुप बनाया है तो उसमें सर अराउंड कोई 20,000 से अबव है, क्योंकि इंडियंस लगाया जाए, क्योंकि उसमें काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, तो ऐसा हो सकता है सर इतने बच्चे हों, पर मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का पता था, हम जो मैं पंकज में जब हम छुपे थे तो 150 थे हम, 150 और उसमें थोड़े से मिला के ईरानियन थे, फिर बस ईरानियन और एक दो नाइजीरियन थे बस, ऐसा होता है। एम्बेसी का क्या रोल रहा फिर, वहाँ से आप किस तरह से बाहर निकले। सर नज़दीक सर वहाँ पे बेलारूस पड़ता है, अच्छा जो आप कह रहे हैं कि वहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा बच्चों को, तो फिर हम सर देख रहे थे कि कौन सा बॉर्डर सेफेस्ट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे वीडियोस लीक हुई थी, कितनी देखा गया था कि वो गर्ल्स को हिट कर रहे हैं वहाँ पे, और हमारे सिविलियंस को, मतलब इंडियंस को किक कर रहे हैं सिविलियंस वहाँ के, और एक अब्यूज़ करे जा रहे, टॉर्चर कर रहे हैं, ट्रेन में चढ़ने दे रहे हैं उनको, तो थोड़ा सा डर लग गया था कि शायद हमारे साथ भी ऐसा होगा, हम कैसे क्या करेंगे उस समय, तो बाहर हैं घर से, तो हम जस्ट क्या करें, मॉम डैड को भी परेशान क्या कर सकते हैं। तो मैं मॉम को बस ऐसे झूठ ही बोलता था कि मॉम की सिचुएशन नॉर्मल है, घबराओ मत, यहाँ पे हैं, इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर रही है, घबराओ मत, पर अंदर का मुझे बात क्या था, अंदर मैं डरा तब जब मैंने फाइटर जेट देखे, अच्छा उस दिन ही मैंने कहा मैं लाइव आता हूँ, क्या पता मैं सब बताता हूँ कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालिए हमारे यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने खुद लिटरली फाइटर जेट देखे जाते हुए यहाँ से, जी तो ऑब्वियसली वो रशियन से ही थे, तो हम मेरे को डर गया था। और उसी दिन वहाँ पे जो मैं मेरा जो एक्स फ्लैट था वहाँ पे पुजनिया की, तो वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था, तो दोस्त ने वीडियो रिकॉर्ड किया, उसने भेजा, तो मैंने सडनली जर्नलिस्ट को भेजा, तो मैंने कहा ये वीडियो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, देखिए वो लिटरली वो ब्लास्ट देखा, सिर्फ पूरा लगा कि सूरज सूरज जैसे रोशनी होती है ना, वैसी जी रोशनी हो गई पूरी अंधेरे में, और इतनी साउंड थी, और दोस्त भी डर गया थे काफ़ी, वो छोड़ के सीधे हॉस्टल आए।
कहने लगे पता नहीं कुछ भी हो सकता, हमारे हॉस्टल में कुछ अटैक ना कर दें, कुछ हो ना जाए। हमने कहा कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले, एम्बेसी कुछ कर रही है। पर सर एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ने की में सर कुछ नहीं किया हमारे लिए जी। हमसे कॉल करते थे उनको। नहीं, ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि नहीं एम्बेसी वहाँ से निकाल रही है बच्चों को। सबसे बड़ी बात मैंने एक और सुनी है जो सोशल मीडिया में भी हो रही है, जो यूक्रेनियन जो है वो इंडियन को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे थे, वो नहीं प्रेफर कर रहे थे उनको ट्रेन में चढ़ने के लिए, उनको बाहर दे धक्के दे मार के बाहर निकाल रहे थे। क्या ये इसमें क्या सच्चाई है? सर बिल्कुल सच्चाई है इसमें सर। एक्चुअली सर वो अपनी सिटीजनशिप जो है उनके उनको प्रेफर करते पहले। अच्छा, वहाँ पर सर इसी से मारा था उनके बीच में कि हम फॉरनर्स को क्यों पहले बचाएं, पहले आप अपनी कंट्री के पीपल्स को बचाते हैं सर। जैसे हम भी अगर होते हैं हम पहले सर इंडियंस को प्रेफर करते हैं, अगर हम वहाँ पे जाते हैं रहते हैं तो सर हमारे को सिचुएशन ऐसी आती है ना तो हम सर इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। तो वो भी सर अपने यूक्रेनियंस को सपोर्ट कर रहे थे। पर सर हम ऐसे किसी को हर्ट नहीं करते कि यूक्रेनियन को किसी को हर्ट किया हो, किसी को हाँ, हिट किया हो, लेकिन सर वो हमारे स्टूडेंट्स को हिट करे थे। इनफैक्ट गर्ल्स को वो ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं गर्ल्स की वहाँ पर कंट्री में। पर सर उस दिन मैं देख रहा हूँ बॉर्डर पर वो गर्ल्स को हेयर से पकड़ के फेंक रहे हैं, गन फायर कर रहे हैं आसमान में। सो लिटरली सर दुख लगा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। तो ऊपर से किक कर रहे हैं उधर, एक तो नाइजीरियन का ग्रुप में डाला था कि उसको ब्लड की ज़रूरत है, उसको यूक्रेनियन मिलिट्री ने बहुत मारा हिट करके, बैक साइड ऑफ गन की करके उसको बहुत मारा, तो उसको ब्लीडिंग हो रही थी पूरी की पूरी। तो स्टिच लगाया गया एमरजेंसी में उसको, तो लिख रहा था उल्टा कि मैं आपकी कंट्री को इनफैक्ट सपोर्ट कर रहा हूँ, यूक्रेन के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, रशिया के अगेंस्ट हूँ, यूक्रेन के साथ हूँ मैं, हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ इनफैक्ट, तो आपकी ही मिलिट्री मुझे मार रही है। इनफैक्ट मैं भी उनके साथ स्पोर्ट में था पहले यूक्रेन के, अभी भी हूँ क्योंकि वो सेकंड में वहाँ पढ़ चुका हूँ, मेरे को डिग्री मिल रही वाली वहाँ पे, थोड़ा एक्सपीरियंस किया था डॉक्टर मैंने, तो मैं वहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा उनको भी। पर सर जब उन्होंने इंडियंस के साथ ऐसा बसलूकी कर रहे हैं तो सर वहाँ पर थोड़ा सा दुख लग रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो इनफैक्ट उनकी उनको सपोर्ट हम स्टूडेंट कर रहे हैं ना, पर गवर्नमेंट नहीं कर रही सपोर्ट भले उनको, स्टूडेंट कर रही है ना। इंडियन हुआ ये वार के बाद ही हुआ, इससे पहले भी ऐसी पोजिशन थी वहाँ पर सर, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है सर, कहते हैं ना सर, वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, मैक्सिमम वहाँ अच्छे लोग हैं सर। वहाँ पे कई होते हैं सर जो थोड़े से यहाँ पे ड्रिंक करके या थोड़े से साइको होते हैं सर, वो करते हैं रेसिज्म, वो तो इनफैक्ट अपने वालों से रेसिज्म करते हैं कि तुम वेस्ट से आयो, तुम ईस्ट से आयो, तुम रशियन लैंग्वेज बोल रहे हो, तुम्हें यूक्रेनियन क्यों नहीं आती सर। वो अपने वालों से रेसिज्म करते हैं, वो वहाँ के वो ऐसे लोग हैं सर। जो वहाँ पे अच्छे टीचर हैं, जो टीचर्स भी इनफैक्ट अच्छे हैं, वो सपोर्ट प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं, एज अ मदर एज अ पेरेंट सपोर्ट करते हैं हमको। सो वो वहाँ पे ये है, वो रेसिज्म पहले नहीं था, अब भी ये हुआ कुछ ज़्यादा है जब से वो वॉर स्टार्ट हुई सर ये वाली, तो अब से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा किसी हद तक ज़्यादा हुआ सर ये वाला सिस्टम वहाँ पे। फिर आप वहाँ से किस तरह से बॉर्डर पहुँचे? सर एक्चुअली सर क्या था कि जब वो सिचुएशन हुई वो शॉटगन वाली, तो उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला, पलक भी, पहले एक्चुअली पलक का मुझे कॉल आया कि एक कल इवैक्यूएशन हो रहा है उस ग्रोथ से, तो आशा उस ग्रोथ आ जा किसी भी हालत में, तो उस ग्रोथ आता तो मैं तेको हंगरी के बॉर्डर से क्रॉस करवा दूंगी अपने वो कॉन्टैक्ट अमरीक को बोल के। उसे कॉन्ट्रैक्टर से मेरे पासपोर्ट, मेरे फ्रेंड्स की पासपोर्ट की फोटो मांग रखी थी, तो हमने सब ने भेज दी उसको फोटो। पर बात ये थी कि हम वहाँ पहुँचे तो पहुँचे कैसे, चक्कर ये था रास्ते में, चलो एक प्लस पॉइंट था, उन्होंने हुआ कि मोदी जी ने बात की थी पुतिन के साथ जी, तो उन्होंने उसके बाद आया कि अगर आप गाड़ी में इंडियन फ्लैग लगा के जाते हैं तो आप सेफ हैं, आपकी गाड़ी सेफ है, कोई हमला नहीं करेगा वहाँ पे। तो हमने रातों रात 150 फ्लैग बनाए, अच्छा, हर स्टूडेंट को 150 फ्लैग दिया। तो फिर हमने और बोला कि आपको फिर से बनाने हैं थोड़े से ज़्यादा, तो हमने पूछा कि ये किसके लिए बनाने हैं, कहते वो पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं अच्छा, उनके अच्छा। लिए बनाने हैं। तो हमने तब मजाक किया थोड़ा, चलो इसी बहाने इंडियन फ्लैग उठाया और हाँ वही, तो हमने तब दिया, हमका ठीक है हम बना देंगे पर फ्लैग से बच तो जाएंगे, पर सच्चाई पासपोर्ट बोलता है, तो फिर पासपोर्ट्स का क्या सीन, कहते वो देख लेंगे तुम बना के दो। तो हमने सर वहाँ पे बनाया पूरी रात पे, हमने बैठ के पूरे 150 फ्लैग, मतलब 170 फ्लैग बनाए हमने, तो सबको सब स्टूडेंट के पास एक ही फ्लैग दिया हमने उसको। तो हमने कहा बस अब आपको वैल्यू पता चल गई इस फ्लैग की, इंडिया के प्लीज़ रिस्पेक्ट करना इसकी। और तो मुझे खुद समझ आ गया कि फ्लैग की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इंडिया में तो 1-2 रुपीज़ का मिल ही जाता है, तो वहाँ पे सर लिटरली वो तो जान बचाने वाला शील्ड का काम कर रहा था वहाँ पे। एक पेज होता है ना वो नहीं मिल रहा था, पेज सॉरी कलर सैफ्रॉन कलर, वो मिलना इतना हो गया कि ऐसे कि टफ जॉब हो गया था हमारे लिए, पर वो मिल गया लकली हमें किसी फ्रेंड के पास था तो उससे लिया, हमने सैफ्रॉन कलर से कलर किया उसको, फिर पूरा झंडा बनाया अपना इंडिया का, तो साथ रखा उसको बैग में, भले हम उसे कहते कपड़े भूल जाओ तुम यहाँ पे, पावर बैंक भूल जाओ पर फ्लैग मत भूलना, तो हम ऐसा नहीं बोल रहे थे सर किसी को, तो सबके पास फ्लैग था। इनफैक्ट मेरे पास ही घर पे अभी फ्लैग है वो, तो मैं साथ अभी नहीं ला पाया पर मेरे घर पे पड़ा है वो फ्लैग, तो वो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था फ्लैग, तो मुझे प्राउड हुआ कि हाँ मैंने सच में, मतलब ये फ्लैग लगाने से आपको रास्ते में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई उससे? ना प्रॉब्लम अच्छा। नहीं एक्चुअली बगजाल सिचुएशन थी कि बगजाल उसको वहाँ पे बोलते हैं, रेलवे स्टेशन को बगजाल बोलते हैं लेमन लैंग्वेज वहाँ पे,
तो बगजाल हॉस्टल से बगजाल जाने के लिए एक मीडियम चाहिए थी गाड़ी कि हम जाएं तो जाएं कैसे, अगर हम वॉक करके जाते हैं क्या पता सिविलियंस हमें हमें मारने फाइट करने पे आ जाएं। तो हमने कहा ठीक है काम करते गाड़ी करते हैं कहीं से। तो कि लकली हमें वहाँ पे उकलॉन एक ऐप है वहाँ पे गाड़ी चल रही थी, तो हमने उकलॉन से गाड़ी की तो हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमने फ्लैग लगा रखा था, तो वहाँ पे रशियन मिलिट्री थी कहीं, क्योंकि रात को वहाँ पे फायरिंग हुई थी बिटवीन यूक्रेनियन आर्मी और रशियन आर्मी में, तो उन्होंने रोका था हमको, तो उन्हें लगा कि कोई सिविलियन कुछ होगा, तो उन्हें रोका ऐसे हाथ देके, तो पूछा हमें रशियन में आप कहाँ से हो, तो हमने बोला इंडिया से हैं, भले हमने फ्लैग भी लगा रखा था। तो उन्होंने पासपोर्ट मांगा हमसे, तो पासपोर्ट मांगा उन्होंने, पासपोर्ट देखा, तो फिर उन्होंने मतलब एज ए रिलैक्स हम भी हुए, वो भी थोड़ा सा हंसने लगा हमसे, मजाक किया उसने, तो फिर उसने कहा जाइए यहाँ से। तो मतलब फ्लैग की वजह से हम बच गए लिटरली वहाँ पे, तो हमें ऐसा लगा कि हमारा जो आज़ादी का पासपोर्ट भी फ्लैग था, भले जो हम बचे हैं तो फ्लैग की वजह से ही बचे हैं, मे बी अगर हम किसी और कंट्री का होते तो शायद वो करते हमें टॉर्चर, पर फ्लैग के हमारे रिलेशन अच्छे हैं इंडिया के हर कंट्री के साथ, तो मुझे लगा कि हम बच गए फ्लैग से। तो उस समय लगा कि हाँ लिटरली अब फ्लैग की वैल्यू समझ आई हमको, और मैं कहता भी हूँ इंडियंस को, किसी को अगर किसी को लगता है फ्लैग की वैल्यू नहीं है तो उसे मैं कहता हूँ अभी जाइए, वॉर चल रही है यूक्रेन जाइए एक बार, फ्लैग की वैल्यू समझ आएंगे तो आप आ जाइए वापस। उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुँचने पर क्या, रेलवे स्टेशन पहुँचे सर तो एक्चुअली वहाँ पे तीन ट्रेन दिखी हमको, एक तो दिखी अब मैं कीव टू लबीव वो फुल हो चुकी थी, फिर दिखी कीव टू कोविल, और जो कोविल का था वो मेरे फ्रेंड था एक लोकल फ्रेंड यूक्रेनियन दमित्री, उसने मुझे बोल रखा था कि तुम जाओगे अगर आशु तो तुम कोविल से जाना। तो कोविल सर हमें पहले था नहीं एम्बेसी में कि कोविल भी एक बॉर्डर है जहाँ से हम जा सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं चेक पॉइंट से वहाँ से। तो हमने उसे पूछ बताया, उसे मैंने कहा ठीक है कोविल से है तो मैं जाता हूँ वहाँ पे। तो मैंने पहले एम्बेसी को फ़ोन किया कि कोविल भी एक जगह है तो जा सकते हैं, एम्बेसी फ़ोन ही नहीं उठाए सर कि हम कंफर्म तो एटलीस्ट करें कोविल है कि नहीं, इंडियंस को वहाँ से एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती, ये तो बचले, अगर ऐसा नहीं हो कि हम जाएं वहाँ पे कोविल में इतनी दूर का सफ़र करके उम्मीद के साथ कि हम बच जाएंगे और वहाँ जाके वो एंट्री ना दें, तो अगर वो सेफ नहीं हुआ किसे टॉर्चर कर रहे हैं ऐसे एक जगह मदीका। अच्छा। मेरा फ्रेंड था मुर्तजा वो मदीका से गया, तो उसको वहाँ पे टॉर्चर किया गया, वो मुझे वॉइस मेल पे बोल रहा था अगर आप मदीका से जा रहे हो तो आप प्लीज़ मत जाइएगा, आप उस रोड से जाइए डबल चेक है वहाँ पे सेफ है वहाँ से जाइए, वो मुझे सजेस्ट कर रहा था वहाँ वो भी पल के साथ साथ ही वो। तो मैंने एम्बेसी से सजेशन मांग रहा हूँ, एम्बेसी से मेरा कॉल पिक नहीं कर रही, इनफैक्ट मेरा नहीं किसी का भी कॉल पिक नहीं कर रही एम्बेसी। तो एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया था, वॉइस भी रिकॉर्ड की गई थी एम्बेसी ने जो बोला था मैंने सेंड की थी स्टार्टिंग में ही, तो वो उन्होंने बोला कि आपको हफ्ता वेट करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते वॉर चल रही है हम कैसे बाहर निकलें। तो किसी हद तक मुझे भी सही लगा था कि हाँ वो भी सही कह रहे हैं, वॉर जोन है तो वो भी इंसान है तो वो कैसे निकलेगी। तो मेरे को भी थोड़ा दिमाग थोड़ा सा उम्मीद मेरे को ये थी कि मैं क्या ही किसी को ब्लेम करूँ इंडियन एम्बेसी को, अगर वो पहले हेल्प करती ना वॉर से सर तब बच सकते थे। तो जब वॉर स्टार्ट होगी सर मुझे पता फायरिंग वहाँ से भी हो रही है वहाँ से भी हो रही है, तो गोली किसी को देखती नहीं कि इंडियन है यहाँ से कौन है, काफ़ी घबराहट होगी आपको, काफ़ी घबराहट सर मेरे को, जो ये था कि एम्बेसी प्लीज़ पहले स्टेप उठा लेती तो पहले स्टेप वैकेट हो जाते। तो फिर हम एम्बेसी को भी क्या ब्लेम करूँ मैं खुद से, पर मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे मैं उनको भी क्या बहस करूँ उनके साथ। तो उन्होंने मैंने बोला कि अब रिस्क उठाते हैं तो लाइफ के इतने रिस्क उठाए हैं तो बस प्लीज़ से छोटा उठा लेते हैं क्या पता तो हम बच जाएं, अगर नहीं बच पाए तो क्या ही हो सकता है। तो कहते ठीक है देखते हैं। तो एक वहाँ पे भी यूक्रेनियन ने स्कैम कर दिया। अच्छा। वहाँ पे यूक्रेनियन ने पोस्ट डाली कि एक बस जा रही है अरेंज कर रहा हूँ मैं जो आपको कीव टू हंगरी बॉर्डर तक ले जाएगी, तो उसका फेयर है स्टार्टिंग का 1500 ग्रेवनास, तो आपको पहले 750 ग्रेवनास पहले देना पड़ेगा, प्रिवाद बैंक वहाँ पे बहुत चलता है सर एक, तो वहाँ से ट्रांसफ़र कीजिए अकाउंट में तो बाद में आपको बाद में देना पड़ेगा। तो बच्चों ने करवा दिया सर, एक्चुअली एक उम्मीद मिली थी कि हम बाहर जा सकते हैं, उम्मीद मिली थी, सब ने एक फ्लैग ले लगा लिए कि हम हर विंडो पे फ्लैग लगा लेंगे तो हमें सेफ है हम, तो हम उम्मीद से थे कि वो लोग की चले जाएंगे। उन्होंने बोला कि एक बार सोच लो कोविल जा रही है ट्रेन तो आपको जाना है कि नहीं जाना, कभी कोविल का हम कन्फर्म नहीं है क्योंकि एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही तो हम कोविल नहीं जा सकते। तो मेरे साथ तो चार दोस्त थे काफ़ी, तो वो उनको भरोसा पता नहीं कैसे मेरे पे था, तो कहते ठीक है चलते हैं, मैंने चलो। तो हम चले गए, तो हम तो बस बगजाल से जब गए थे तो रशियन ने जैसे वो सिचुएशन मैंने आपको पहले डिस्कस की, तो हम बगजाल पहुंचे, बगजाल पे वहाँ पे तीन ट्रेन थी, पहली ट्रेन तो कोविल की खड़ी थी, दूसरी वो कीव टू लबीव खड़ी थी, वो तो फुल होती हो गई जाती जाती फुल हो गई, तो फिर कोविल वाले लोगों को पता ही था कोविल में बस यूक्रेनियंस थे सबके सब, तो इंडियंस बहुत कम ही थे। तो फिर बाकी को मैंने बोला मैं चलना है चलो कोविल में, कहते कोविल कौन सा बॉर्डर पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा। वहाँ कोई बॉर्डर नहीं है, वहाँ पे बहुत दूर है वो, उसका बेलरूस के पास, वहाँ पे एक्चुअली कोविल ऐसी जगह सेंटर में, यहाँ बेलरूस का बॉर्डर है और यहाँ पे पोलैंड का बॉर्डर है, तो आपको डर लग गया किसी को कि बेलरूस से भी रशियन आर्मी आ रही है, वहाँ पे फायरिंग चल रही है, वहाँ पे हमको हट ना हो जाए, तो
तो इस बात से डर के रुक गए वहाँ पे। तो मैंने कहा तुम चलो वहाँ पे जाके देखते हैं, अगर अपने रिस्क उठाया हमने, अगर कुछ होगा तो देखते हैं ना वहाँ जाके, जो होगा तो हम साथ में रहेंगे। तो ऐसी बात तो है नहीं कि वो एक आधी डेथ होगी, साथ की जितनी भी होगी सबको हानि हम होगा। तो कहें नहीं तुम लोग जाओ। तो सर हम जैसे ही चढ़े तो जो मेरे बाकी फ्रेंड्स का कॉल आता है, अच्छा कहते ब्रदर को उन्होंने बस नहीं आई, उसने पोस्ट किया कि आई एम सॉरी मुझे जिस बस से मैंने आपके लिए कंपनी से अरेंज किया था वो कंपनी मुझे धोखा देगी, आप एक्चुअली एक्स्ट्रा पैसे करिए, कुछ ऐसा बोल रहा था उसने, तो रशियन में लिखा था उसको, तो उसको ट्रांसलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि नेट नहीं था हमारे पास, तो उसको ट्रांसलेट किया था उसको, तो उसमें बता रहा था मुझे वो। तो मैंने कहा तो तुम एक काम करो मेरे साथ आ जाओ कोविल, तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड ने बात की, वहाँ पे एक चैरिटी ट्रस्ट है उसका फ्रेंड का एक का, तो वहाँ पे वो हमें रख देगा चैरिटी में, तो हम रह लेंगे वहाँ पे। होता है ऐसी सिचुएशन में, हम इंडिया में भी हुआ था कि हमारे जो इंडियंस थे वो हेल्प कर रहे कोविड में कर रहे थे हेल्प, वैसे ही वहाँ पे वो हेल्प कर रहे थे सर उनकी, तो उन वो आगे वहाँ पे, तो अराउंड हम सर 30 हो गए वहाँ पे फ्रेंड्स सब लोग। तो हम लोग सर वहाँ पहुँचे कोविल में, तो वहाँ पे आए थे पहले ही गाड़ी खड़ी थी, तो वो पूछने लगे नाम लेके कि आशु कौन, मैंने बोला मैं, तो कहते आप आइए आप रुकिए आपको गाड़ी हमारी हम छोड़ के आ रही बॉर्डर तक। सर उन्होंने हमें ऐसे खाना दिया, सोने की जगह दी, इनफैक्ट ऐसे लाइक मतलब कि हमें ऐसे ट्रीट किया कि मतलब आई हम गेस्ट हैं उनके। अच्छा अच्छा। तो हमने सोचा कि जाते समय उनको कुछ पेमेंट कर देते हैं, हमें सबसे 200 ग्रेवनास जो है 200 या अपनी मर्जी से, हमने लोग बोला आपकी इतनी मर्जी है तो दे दीजिए, मैक्सिमम से उन्होंने 500-200 ग्रेवनास दिया हमको, उन सबके पास वही पैसे थे, तो हमने दिए था हम लोग वापस दे रहे हैं कि आप प्लीज़ आपने बहुत हेल्प की हमारी, तो आप लाइक एंजल बन गया लाइफ में, तो आप प्लीज़ ले लीजिए, बेनिफैक्टर हमारे मसीहा हो आपने इतनी हेल्प की सिचुएशन में। तो वो उन्होंने नहीं लिया, कहते हमें पेमेंट मिल चुकी है, आप लोग यहाँ आए हैप्पी जा रहे तो ये पेमेंट ही हमारी। तो हमने अच्छी बात है, हमने इंसिस्ट किया उनको काफ़ी, इनफैक्ट हमने बहुत इंसिस्ट किया, तो काफ़ी पंजाबी फ्रेंड्स भी थे। अच्छा। तो वो भी इंसिस्ट कर रहे थे अपनी पंजाबी लैंग्वेज में बोल के बात करवाओ इनको, बोलो। तो एक थे वहाँ पे, मैं भी रशियन बोल रहा हूँ उनके साथ, मेरे फ्रेंड्स बाकी वो भी रशियन बोल रहे हैं, तो वो नहीं ले रहे। तो फिर बाहर जाते उन्होंने कहा कि अब आपका टाइम आ चुका है, आपको बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाएगा, तो आपको बाहर गाड़ी खड़ी शटल टाइप की गाड़ी होती है वहाँ पर बैठिए चले जाइए। तो हम बैठे शटल में, तो वो वहाँ पे बंदा आया तो कहता चलते हैं आप सलावा उक्रेनी के, मतलब जैसे हम कहते हैं जय हिंद तो वैसे वो बोलते सलावा उक्रेनी, तो सब हमने बोला जोर से, तो हम चल दिए वहाँ से। तो रास्ते में फिर रोका गया हमको बॉर्डर जाने तक भी रोका, हमें रोका, तो वो शायद यूक्रेनियन सिविलियंस थे वो, उन्होंने रोका, तो उन्होंने बोला स्टूडेंट है, रशियन में बात की उन्होंने, स्टूडेंट्स हैं ये इंडिया से आए हैं देख लीजिए, तो उन्होंने हमारे पासपोर्ट चेक किए, तो सीरियसली वो चले गए। फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं हमको, तो बस ये था कि हम कह रहे थे अगर हम लगना चाहते हैं किसी के हाथ तो रशियन मिलिट्री के हाथ लगे, क्योंकि हमें रशियन मिलिट्री पे यकीन इसलिए था कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को उस पर यकीन था, और इंडियन गवर्नमेंट पे हमें यकीन था कि हाँ कुछ तो किया है मोदी जी ने, एटलीस्ट तो हम फ्लैग ने हमें बचा लिया इंसिडेंट जो फ्लैग का हुआ, तो मेरे को उसके बाद थोड़ा यकीन हुआ हाँ बाकी कुछ तो है फ्लैग हमारा समथिंग इस वर्ल्ड में। पहले एम्बेस कोई लोग कहते नहीं हम इंडिया नहीं बताएंगे, हम इंडिया वो नहीं बताएंगे, तो मैं कहता हूँ भाई अब चलिए वैल्यू पता कि इंडिया इंडियन हो तुम तो क्या हो जिंदगी। अब फ्लैग हमने भी देखे कुछ वीडियो, पाकिस्तानी लड़कियां भी कहती हैं हम इंडियन फ्लैग को लेकर निकल रहे हैं, इंडियन फ्लैग की वैल्यू यहां पे, ये अच्छी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो उसमें चला पता हम कहते हैं कि हमें प्राउड है इंडियन होने का, तो मुझे चला पता कि हाँ सच में प्राउड है कि मैं बचा हूँ फ्लैग से। तो सर फिर वहाँ पे फिर बॉर्डर क्रॉस किया, तो बॉर्डर आराम से क्रॉस हुआ, फिर हमारा फर्स्ट बैच था इंडियंस का जो जोशिन नाम के एक चेक पॉइंट था वहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो हम सब थे तो हम सब वहाँ उतरे। तो वहाँ जाते ही उन्होंने पहले क्रोसान होता है क्रोसान दिया, तो उस दिन शिवरात्रि थी शायद, तो वहाँ पे सर एक्चुअली वेजिटेरियन कम ही है, तो उन्होंने एक नॉन वेज कुछ बर्गर टाइप था तो उन्होंने दिया खा लीजिए, तो हमने कहा नहीं हम नहीं खाएंगे, तो हम नहीं खाएंगे ये, तो हमें बस क्रोसान दे दीजिए, तो क्रोसान वाटर बॉटल ली हमने वहाँ से, तो चल दिए। तो बस समय सर विद इन 1 आवर के बीच हमारा बॉर्डर क्रॉस हो गया था। अच्छा। तो हम बोले कि इतनी जल्दी बॉर्डर क्रॉस भी हो गया, वो जो तीन कह रहे थे कि हम प्रिपेयर सर 72 आवर्स प्रिपेयर करके गए थे कि हमें इतने आवर्स वहाँ पे रुकना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 3 डेज क्या पता रुकना पड़े। हम तो एक जैकेट ली थी उसके ऊपर एक जैकेट पहनी थी मैंने फ्रेंड की लेके, फिर ट्राउजर के ऊपर ट्राउजर, फिर उसके ऊपर पैंट और डबल सॉक्स पहन के गए थे और कैप लगा के, वहाँ पे बहुत माइनस ठंड है क्योंकि सर हाइपोथर्मिया हो रहा था वहाँ पे लोगों को, सो हाइपोथर्मिया से ऑब्वियसली डेथ हो सकती है वहाँ पे, आपकी बॉडी टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा था। तो हम इसकी प्रिपेयर करके गए थे इस सिचुएशन को, तो वहाँ पहुँचते सर आराम से क्रॉस भी हो गया, तो वहाँ पर एक्चुअली सर एम्बेसी को, फिर हमने वहाँ पोलैंड में जो इंडियन एम्बेसी है उनको उनको कॉल किया, वहाँ से हमने पोलैंड इंडियन एम्बेसी को कॉल, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेनियन नंबर चल रहा था एक्चुअली बॉर्डर के पास ही थे ना, तो हमारी लोकल कॉल चल रही थी, तो हमने फ़ोन किया उनको, तो कहते कि आप कहाँ से आए हैं, बल्कि उनको पता ही था जोशी नाम के बॉर्डर से भी इंडियन आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने हर दूसरी जगह जो बॉर्डर मदी का जैसे मैंने बताया वहाँ पे जो बाकी भी पोलैंड के बॉर्डर हैं वहाँ पर उन्होंने भेज दी थी गाड़ी ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप रुकिए हम भेजते हैं आपको। सो एक्चुअली अब उनके बिटवीन का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो बस वहाँ पे पोलैंड में ट्रैफिक भी है तो बस को आने में टाइम लग गया, तो हमें एटलीस्ट 3 आवर्स या 2 आवर्स या मोर देन 3 आवर्स में वेट करना पड़ा वहाँ पे, तो वो आ गई बस वहाँ पे।
तो राहत तब मिली थी हमको जब हमने इंडियन फ्लैग देखा था बस में लगा हुआ कि अब हाँ अब सेफ हैं, अब इंडियन एम्बेसी हमें लेने आ गई तो अब जिम्मेदारी हम उनकी है। तो वहाँ जाते हमें होटल दिया, लग्जरी टाइप होटल ही था, मतलब कि अच्छा था, सोने को खाने को मिला, सब कुछ मिला। तो फिर फ्लाइट की बात हुई हमारी, तो फ्लाइट के लिए हुई तो फिर हम चैन की नींद सोए। बस यही था डर कि हम कीव छोड़ के आए, अपनी सब कुछ वहाँ छोड़ के आए हैं, शायद हमारे फ्रेंड भी रुके हुए थे वहाँ पे, कई लोग तो स्टक हो गए थे वहाँ पे, तो हम ये चाहते किसी को कुछ हानि ना हो वहाँ पे, तो बस सब पहुँच जाए, तो उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। और अब तो पूरी गवर्नमेंट इतना वर्ल्ड है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ ही है, सब ने वो ऑफर दिया। इनफैक्ट वहाँ पे पोलैंड में मिनिस्टर आए थे, उन्होंने हमें ऑफर दिया वहाँ पे कि अगर आपके दरवाजे बंद होते हैं यूक्रेन में तो पोलैंड के दरवाजे खुले हैं आपके लिए, आप कभी भी आके ले सकते हैं एडमिशन। तो हम कहते वाओ हमारा फ्यूचर अभी है बचा हुआ। तो इनफैक्ट अब यूके के भी कई लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आके। अब तो इंडियन गवर्नमेंट भी कह रही है कि आप यहाँ पे आके इंटर्नशिप कर सकते हैं। वहाँ से आपका जो फ्लाइट्स होती थी इंडिया की, उसमें क्या पोजीशन थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी या उनमें चार्जेस लिए गए या क्या क्या? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी। इंडिगो वहाँ से आप दिल्ली आए? हाँ, इंडिगो फ्लाइट थी मेरी, उसके बाद क्या थी कार्गो प्लेन भी आया था। तो इंडिगो आए हम, तो इंडिगो में सर दिल्ली लैंड हुए। तो दिल्ली लैंड हुआ जैसे, तो इमिग्रेशन पे खड़ा था तो सामने लिखा था स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मैं सोचा था कि ऐसा होगा, तो मैं उतरा तो खड़े तो उन्होंने मुझे आप जम्मू से, मैं कहा मैं जम्मू से हूँ, चलिए हमारे साथ। मैं कहता आपकी फ्लाइट है वो भेज देंगे घर पे। तो मैं कहा ठीक है, पर मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा अभी मैं 6 दिन से वो सिचुएशन से मैं नहा नहीं पाया था, तो मैं कहा कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए कहीं होटल ले रहा हूँ जहाँ पे मैं सो जाऊँगा। कहते नहीं सोना नहीं, आप क्या कर रहे हो, आपको भवन देंगे जेके भवन, आप आज के दिन आराम कीजिए वहाँ पे। अच्छा, तो सर मैं गया वहाँ पे, ऐसा लगा लग्जरी लाइफ जैसे होती है ना, ऑफिसर की लाइफ, और सामने गाड़ी खड़ी है तो वो छोड़ के भवन में छोड़ के आए। भवन भी इतना अच्छा खासा था वहाँ पे, जेके भवन जो था, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ सोया मैं, तो नेक्स्ट डे सुबह ही उन्होंने फ्लाइट बुक कर दी। 9:20 की मेरी फ्लाइट थी, तो उन्होंने कहा कि आपको हम उठा देंगे सुबह, तो आप उठ के यहाँ से फ्रेश व्रेश होकर चले जाइएगा वहाँ पे, अगर ब्रेकफास्ट करना है तो कर लीजिए। पर मैंने कहा कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, मेरा टाइम जो अकॉर्डिंग में कीव के टाइम से चल रहा हूँ यूक्रेन के, तो मैं उस टाइम मेरा सोने का टाइम था लेकिन मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं उठा वहाँ से सर, फिर फ्लाइट पकड़ ली, फिर इंडिया आया, जम्मू आया, दिल्ली तो जम्मू आया। तो मॉम डैड मिले तो उनसे मिला, तो रात की सांस मिली कि आप मैं सेफ ही हो। इस बात में हम सुनने में आया कि अब 3 लड़कों का तो पता चला कि वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है, लेकिन ये तो ऑफिशियली जो है एक तो कर्नाटका का रुके या और भी कोई इंडियंस की वहाँ पर डेथ, तो स्टूडेंट्स के अलावा या स्टूडेंट्स की भी? सर डेथ क्लेम नहीं करता, पर सर एक्चुअली सर एक ग्रुप बना था फॉरेन हब करके, जैसे मैंने आपको बताया सर, उसमें ग्रुप में हर दिन सर मोर देन 5 स्टूडेंट्स की आती थी मिसिंग रिपोर्ट्स, कि दिस गाय इज मिसिंग, दिस गर्ल इज मिसिंग, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर होता है उनके एजेंसी का। तो अगर इस ईयर का स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का अगर कोई देखा किसी ने, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो सर, प्लीज़। कोई कॉन्टैक्ट नहीं करता सर वहाँ पे किसी को, तो ऑब्वियसली सर वो डेथ हो चुकी है सर उनकी। इसका मतलब है कि काफ़ी लड़कों की जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स की, लड़के जो लड़के हैं, काफ़ी डेथ हो चुकी है सर उनकी वहाँ पे। आशुतोष अब क्या सोचा है आगे? सर अभी तो कुछ दिन वहाँ पे इंडिया में रिलैक्स करूँ। पहले तो मैं थैंकफुल करना चाहूँगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है हमारे पीएमओ ऑफिस में मिनिस्टर हैं जो, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की इस दौरान में ड्यूरेशन में। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट में अराइव हुआ तो दिल्ली एयरपोर्ट से मुझे जेके भवन तक का सफ़र, और जेके भवन से मेरा जम्मू तक का सफ़र जो रहा वो उनकी वजह से रहा, उनका बहुत योगदान था इसके बीच में। उन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइज कर रखी चीज़ें हमारे लिए। तो जो कम्फर्ट जोन मुझे मिला है दिल्ली में, जो एयरपोर्ट के बाद जो मैं बाहर निकला हूँ दिल्ली में, मुझे कंफर्ट जोन मिला है जो, वो सब उन्हीं के दिया हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे मिस्टर हमारे जम्मू में रहें, तो बस यही कहना चाहूँगा, उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू वर्ड उनके लिए बहुत कम है, तो बस अभी थैंक यू कहूँगा उनको मैं। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस हेल्प, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप जैसे मिनिस्टर हमारे जम्मू में हैं सर। थैंक यू सो मच सर। और अच्छा, एक बुरा जो सपना था वो अब सपना बन के रह गया। अच्छी बात है, आपका फ्यूचर है, जिस तरह आपने कहा कि इंडिया में भी कहा गया प्रैक्टिस कर सकते हो, और पोलैंड में भी कहा गया, हो सकता है कल को हालात वहाँ के अच्छे हों। युद्ध है, युद्ध के बाद क्या होता है ये तो उसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस दौरान वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है, और इन हालातों में आपको जो तकलीफ़ें सहनी पड़ी, जो तकलीफ़ों के बाद आप यहाँ पर पहुँचे, ये भगवान की एक बहुत बड़ी देन है। और हमें बहुत खुशी है आशुतोष आप जम्मू में बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गए, और उम्मीद करते हैं कि आपका आगे का भी भविष्य जो है फ्यूचर अच्छा हो, और आगे जो आपकी भगवान करे इंडिया में जब यहाँ भी आप जाना चाहें तो आपको अच्छा एक स्कोप है सबसे बड़े। और आपके जो कुछ दोस्त वहाँ रह गए होंगे जो उनके साथ ये कांटेक्ट होगा वो आपका? सो जैसे मैंने आपको पहले बताया हमारा ग्रुप बना हुआ है, तो ग्रुप में उनके मैसेज आते थे, कल आए थे फैमिली को इवैक्यूएट करना है तो प्लीज़ कोई कॉन्टैक्ट कीजिए। तो हमारे फ्रेंड जो थे जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं बॉर्डर का, तो हम उनको जोशीन बॉर्डर ही प्रेफर कर रहे थे, और वो जो मेरे फ्रेंड ने बताया चैरिटी वाला,
तो हम उनको कहते हैं वहाँ पे चैरिटी आ जाएगी, हम कॉन्टैक्ट कर देंगे, वो आपको हेल्प के लिए, वो ऑलरेडी होंगे वहीं पे, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड के थ्रू ही वो चैरिटी हुआ था वहाँ पे, तो हमने बोला वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, तो आप पिक करके अच्छी आप सेफ पहुँच जाओगे बॉर्डर पे। तो हमने उनको ये सर्च करे थे उनको, तो बस ये आज मैं देख रहा हूँ कि वीडियो, तो कई लोग तो रोमानिया के बॉर्डर में अटके हैं सर वहाँ पे, तो आज वीडियो देखी मैंने, तो कह रहे थे कि शायद ये हमारी आखिरी वीडियो है, कुछ हो नहीं रहा, हम क्या करें बताइए, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें निकालिए जहाँ से। तो सर एक्चुअली क्या ही बोलूँ सर, मैं वो सिचुएशन थी वर्स्ट हो रखी है, तो एम्बेसी वालों के भी, वो भी इंसान है, तो कैसे सर वो निकले वहाँ से। तो इसलिए सर जब टाइम था, बस इतना नाराज, जब टाइम था तो जो फ्लाइट्स आई थी पेड फ्लाइट्स आई थी, वो प्लीज़ लेस उस वक्त पेड ना होती तो काफ़ी लड़के निकल जाते हैं। पेड होती चलो कोई बात नहीं सर, एक्चुअली फिर उनका 20 से स्टार्ट ना 50 से एटलीस्ट, मतलब कि 40 से स्टार्ट होता और बिजनेस का 50 होता सर, ठीक रहता, वो हम कर लेते एफर्ट सर। सर लाख लाख तक जा रहा सर, तो सर वो इनफैक्ट मिडिल क्लास स्टूडेंट जो फैमिली बिलोंग करता है सर, वो क्या करेगा एकोमोडेशन वहाँ पे सर, क्योंकि वो वहाँ की करेंसी काफ़ी, मतलब कि 3 times अबव है हमारा, 3 rupees हो गया उनका 1 होगा, तो सर वो एक्सपेंसिव आता है। हम फ्लैट में रहते हैं वहाँ पे, तो फ्लैट में सर वो उसका एक्सपेंसिव आता है, बिजली का सबका, एज लाइक हम सर वहाँ पे लाइक जैसे जम्मू में रहते हैं वैसे हम रहते हैं वहाँ पे, तो सर वो एक्सपेंसिव एकोमोडेशन इतना आता है वहाँ पे, तो वो खर्चा, फिर स्टडीज़ का सर, हमको कभी सर्जरी की क्लासेस के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी का भी हमारा रिवर्क्स मांगती है, तो सर वो करना पड़ता था। फिर उसके बाद सर कि कुछ भी ले लिया, खाने का मन किया कुछ हो गया, कभी रिचार्ज हो पैसा वो खर्च देते घर से, पॉकेट मनी जो आती थी हमारी, तो सर हम सोचे क्या घर वालों को क्यों परेशान करो इतना पैसा, तो काश कम होती तो हम चले जाते सर वहाँ पर, बस उस टाइम से मैं नाराज़ हूँ। जी जी, वही एक वक्त है जिसे बार बार हमने अपने प्रोग्राम्स में बोला है कि उस वक्त थोड़ी सी चूक हो गई है, उस वक्त बहुत अच्छे चांसेस थे। एनी हो, आपको अभी आप ठीक ठाक यहाँ पहुँच गए हो, बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं कि आपके बाकी भी दोस्त जो हैं, जिस तरह से रूस के साथ को सीज फायर भी काफ़ी उनका किया है, ताकि उन जो स्टूडेंट्स हैं बाकी के स्टूडेंट मास्को के थ्रू, मास्को कल बॉर्डर से वहाँ से उनको निकालेंगे और करेंगे, लगता है कि इंडियन जो है वापस फिर आप वापस अपने यहाँ आ जाएंगे। आशुतोष जी, आप हमारे स्टूडियो में, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।